आज दरौली गांव में सभा की गई है। ये सभा जो कल 7 अगस्त 2018 को कश्मीर के गुरेज सेक्टर में हमारे एक मेजर और 3 जो सैनिक शहीद हुए हैं पाकिस्तानी कायराना हरकतों के कारण, उसको लेकर के ये शोक सभा की गई है। क्योंकि जो हमारे सैनिक हैं वो हमारा गौरव है। किसी भी देश को जो गर्व होता है अपने सेना के सैनिकों पर होता है, और देश की जो ताकत है वो हमारे सैनिकों से है। लेकिन जो भारत सरकार है, इस वर्ष में ही भारत सरकार जो अपने आप को राष्ट्रवादी सरकार बोलती है, उसी के काल में सन 2018 में जो अभी तक अगस्त महीना चल रहा है हमारे, उसके कार्यकाल में 49 सैनिक शहीद हो चुके हैं और आतंकवादी भी इतने मारे गए हैं। ये देश के लिए बहुत ही घातक है। एक शेर का शिकार करने के लिए एक कुत्ता आता है और वो शिकार करके चला जाता है। ये भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण है। भारत सरकार को इजराइल से सबक लेना चाहिए। जिस तरह से इजराइल की सरकारें अपने सैनिकों को खुली छूट देकर रखती है कि यदि हमारी तरफ एक गोली आएगी तो हम उसकी तरफ 10 मिसाइल दागेंगे, लेकिन हमारे सैनिकों को ऐसी छूट नहीं है। जिस कारण से पाकिस्तान अपने घुसपैठियों से, कायर आतंकवादियों के से चोरी छुपे हमारे सैनिकों पर हमला करता है और हमारे नागरिकों के ऊपर हमला करता है, लेकिन हमारे सैनिक अपनी जी जान से अपनी सही ड्यूटी करते हैं और देश पर होने वाले हर हमले को अपनी जान पर खेल करके अपना बलिदान दे रहे हैं। लेकिन नेता उनके बलिदानों पर कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं कर रहे हैं ताकि उनको याद किया जाए। आज 4 सैनिक शहीद हुए हैं, उनके परिवार वालों से मिलने कोई मंत्री कोई अधिकारी नहीं जा रहा, ना ही कोई घोषणा हो रही है। एक बुढ़ा नेता मर सकता है, देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सबकी लाइन लगी हुई है। नेता बड़ा है या सैनिक बड़ा है? इस देश की सुरक्षा नेता नहीं कर रहे, इसकी देश की सुरक्षा करता सैनिक। सैनिकों के साथ जो ये भेदभाव हो रहा है उनकी शहादत पर, ये बहुत ही गलत है। इससे देश की जनता निराश है। जिस तरह से इस देश में नेताओं की साथ नेताओं की मृत्यु पर शोक सभा की जा रही है, सभी अपना मस्तक झुका रहे हैं, सभी राज्य सरकारें अवकाश की घोषणा कर रही हैं, इसी तरह से सभी जिलों में सभी शहरों में ये घोषणा की जाए कि आज हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उनकी शहादत पर पूरा राष्ट्र शोक मनाएगा। तभी सैनिकों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी और उनके प्रति हमारा यही कर्तव्य है। क्योंकि जो जवानी में अपना जीवन इस देश के लिए कुर्बान कर देता है, उससे बड़ा और कोई बलिदान हो नहीं सकता। ऐसे सैनिकों को हम इस सभी सभा में नमन करते हैं। और जो हमारे प्रस्ताव है 5, हम कल उसको उपजिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को देंगे। जैसे कि भारत सरकार पाकिस्तान के जो सभी व्यापारी समझौते हैं वो रद्द किए जाएं, पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया जाए, पाकिस्तान से जो ये व्यापारिक समझौते हैं वो रद्द हो, और जिस तरह से हमारे सैनिक शहीद होते हैं उसमें क्षेत्र का सांसद, विधायक और वहाँ का जिलाधिकारी उसकी अंतिम संस्कार में जाए, ताकि लोगों को लगे कि देश का सैनिक शहीद होता है तो उसके सम्मान के लिए यहाँ पर अधिकारी और नेता गण आते हैं। तो आज इस सभा का यहीं पर समापन किया जाता है। यहाँ पर सभी आए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।